वर्गमूल तीन इंटू वर्गमूल तीन इंटू वर्गमूल तीन इंटू वर्गमूल तीन इजिकल टू तीन घाते यक्स, तो यक्स का मान ज्ञात करो, यानी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इजिकल टू थ्री टू पावर एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। इसके पहले आप एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, अगर एन टर्म्स हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर टू टू द पावर एन माइनस वन अपॉन टू टू द पावर एन, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री दिस इज इक्वल टू थ्री टू द पावर एक्स, हमारा क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए एन टर्म्स हैं, तो एक्स टू द पावर टू टू द पावर एन माइनस वन अपॉन टू टू द पावर एन है। यहाँ हमारा कितने कितने पद हैं, एक दो तीन चार, यानी एन बराबर चार है, इसकी जगह हो जाएगा एक्स है तो एक्स एन पद है तो एक्स टू द पावर टू द पावर एन, यहाँ पर तीन है तो थ्री टू द पावर टू टू द पावर चार टर्म है टू टू द पावर फोर हो जाएगा थ्री टू द पावर टू टू द पावर फोर माइनस वन अपॉन टू टू द पावर फोर, और दिस इज इक्वल टू थ्री टू द पावर एक्स। क्लियर? अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टू द पावर फोर का मतलब क्या होता है, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, तो सोलह माइनस एक अपॉन सोलह दिस इज इक्वल टू थ्री टू द पावर एक्स के, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री टू द पावर सोलह में से एक गए पंद्रह, पंद्रह बटे सोलह इज इक्वल टू थ्री टू द पावर एक्स। अब आप देखिए ये बेस है, ये भी बेस है, दोनों बेस बराबर हैं, तो जब दोनों बेस बराबर हों तो उनके पावर यानी उनकी घात भी बराबर होती है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू पंद्रह बटे सोलह। यहाँ पर रीजन लिखेंगे क्या, सिंस ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू एन, ये फार्मूला, देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितना आ गई, पंद्रह बटे सोलह। क्लियर?